अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। लॉकडाउन के बीच भूकंप से हिली दिल्ली, महीने भर में तीसरी बार आया झटका। वजीरपुर में रहा केंद्र, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। 17 मई के बाद खुल सकता है लॉकडाउन, पीएम मोदी कल मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। व्यापार, बीमारी और बेबसी से बढ़ रही लोगों की मुसीबत को खत्म करने की तैयारी। हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल बना रही कोरोना का वैक्सीन, पुणे के एनआईबी में ट्रांसफर हुआ वायरस का स्ट्रेन, संपूर्ण स्वदेशी होगा टीका, इतिहास बनाने में जुटा इंडिया। औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को भेजा नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब पर प्रांतीय श्रमिकों को पटरी पर रौंद गई थी ट्रेन। भारत में अब टूटने लगा है कोरोना का दम, 24 घंटों में 10 राज्यों में एक भी एक्टिव कोविड केस नहीं आया सामने, लॉकडाउन से नियंत्रित हो रहा है संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी से बढ़ा देश का हौसला। महाराष्ट्र में 15,649 पर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 779 ने गंवाई जान, 3800 मरीजों ने कोविड को हराकर जीती जंग, स्वस्थ होकर घर लौटे। 11 मई से 7 दिनों के लिए बंद रहेगी मुंबई की 5 एपीएमसी मंडियां, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने सरकार का निर्णय, विधायक गणेश नाइक की मांग पर एपिक सेंटर को कोविड मुक्त करने की कवायद। पनवेल में लॉकडाउन में छूट की बड़ी घोषणा, सोमवार से चालू रहेंगी सभी दुकानें, आयुक्त गणेश देशमुख ने शर्तों के साथ दी मंजूरी, सामाजिक दूरी के पालन नहीं करने पर रद्द होगा निर्णय। नवी मुंबई में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 82 मरीज, 674 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, कोपर खेरने वासी और तुर्भे में एक दिन में दर्जन भर से ज्यादा मिले प्रभावित लोग। तेवी मिसाल ने इंडियाबुल में बने कोविड हॉस्पिटल का लिया जायजा, जताई राहत। और पनवेल मनपा क्षेत्र में 156 पर पहुंचा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 13 नए मामले, नॉन कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने की परमिशन, तय शर्तों के अनुसार शुरू होंगे कारोबार।